इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्कशीट थाना के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पार्कशीट थाना है। दरअसल कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को लेकर सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रहा है। आपको बता दें इस वक्त साइक्लोन दाना पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया हुआ था, जिसमें एक फेसबुक पेज मीनाक्षी मुखर्जी जो कि DYFI और CPM की नेत्री है, उनके नाम से एक फेसबुक पेज से एक सोशल मीडिया में एक फ़ोटो वायरल की गई थी, जिसमें कोलकाता का मेयर फिरहाद हकीम को टोपी पहनकर दिखाया गया। फिरहाद हकीम टोपी पहन के और 90 ml की शराब की बोतल। आपको बता दें कि कलकत्ता शहर में जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं उसका जो पूरे मात्रा है 90 ml, तो बॉबी हकीम को 90 ml शराब के साथ टोपी पहन के दिखाया गया, जिससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो जज्बात है मजरूह होते हैं, मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है और इसको लेकर कई जगहों पर पुलिस कंप्लेंट भी हुई है। इस वक्त हम लोग मौजूद है पार्कशीट थाना के सामने। यहाँ पर एडवोकेट तौसीफ अहमद खान जो कि TMC के समर्थक है, वो यहाँ पर मौजूद है और वो कंप्लेन करा है उन्होंने जस्ट। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और क्या उनका कहना, आइए उनसे हम जानते हैं। चेहरे का इस्तेमाल करके, उनके नाम के इस्तेमाल करके, मीनाक्षी मुखर्जी का नाम इस्तेमाल किया गया, चेहरा इस्तेमाल किया गया और ये पेज या प्रोफाइल फेसबुक का इतने दिनों से चल रहा है, जहाँ पे 29,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो एक मिनट में उनका फ़ोटो जैसे ही डालती है वो वायरल हो जाता है। तो अगर उनके नॉलेज में था कि उनके प्रोफाइल को, नाम को मिसयूज़ किया जाए, तो इन्होंने पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आज जब ये पब्लिक आउटरेज हुआ, जगह जगह से लोग जो है कमेंट करने लगे कि ये बहुत गलत की जा रही है, हमारे आस्था को ठेस पहुँचाया जा रहा है, लोग जो है कंडेम करने लगे मीनाक्षी मुखर्जी को, तब ये मीनाक्षी मुखर्जी का आज जो है सुबह में ऐसा आया क्लैरिफिकेशन एक दूसरे प्रोफाइल से कि उनका इस प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई लेना देना नहीं है तो पुलिस इसकी तफ्तीश करे भाई, इस पर FIR हो, इसके जड़ तक जाया जाए, क्योंकि आज अगर हम इस मुद्दे को जाने देंगे तो कल ऐसा ही जो है फ़ोटो और ज़्यादा आने लगेगा, कल इसी तरीके से डिस्टॉर्टेड फोटोग्राफ और ज़्यादा सर्कुलेट होंगे, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, प्रोवोक किया जाएगा। और ऐसे ही में अगर कोई हमारा कौम का बच्चा, नौजवान अगर बहक जाए, अगर कोई गलत कदम उठा ले, तो उसका ज़िंदगी तो फिर बर्बाद हो जाएगा, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए ज़रूरी है कि इस पर FIR हो, बाज़ाब्ता इस पर जो है तफ्तीश की जाए कि कौन है, कोई ना कोई तो इसके पीछे, अगर मीनाक्षी मुखर्जी है तो वो माफ़ी मांगे, अगर मीनाक्षी मुखर्जी नहीं है, कोई और ऑपरेट करे, तो पुलिस तफ्तीश करे, उसको गिरफ्तार करे। आपने यहाँ जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्या मीनाक्षी मुखर्जी के खिलाफ करवाई है या किसी और के खिलाफ करवाई है, जिसने ऐसा के खिलाफ? मैंने रिपोर्ट में कहा है कि ये फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज जो कि मीनाक्षी मुखर्जी के नाम के साथ, मीनाक्षी मुखर्जी के चेहरे के साथ चल रहा है, प्राइमा फेसी उनके ही खिलाफ हमने अक्यूज बनाया है। हमने ये कहा है कि हो सकता है अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो जो भी इन्वॉल्व है आप उसको पकड़िए, आप उसको तफ्तीश करके, आप उसको फाइंड आउट करके, उसको अरेस्ट करके, आप इस मुद्दे में कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिलाइए। क्योंकि अगर जब तक के हम एक मिसाल नहीं कायम करेंगे कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ ना हो, ये जो है सिलसिला चालू हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में होता है जहाँ पे माहौल को बिगाड़ दिया जाता है। बंगाल में शांति है, बंगाल में ममता बनर्जी ने शांति प्रोवाइड किया यहाँ के जनता को, यहाँ भाईचारा है, ये कायम रहे, कोई किसी के साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ ना करे। क्या मेयर फिरहाद हकीम साहब का जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए DYFI की नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी, और जिस पेज में अगर मान भी लेते कि वो खुद ऑपरेट ना कर रही हो, इस पेज में 29,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, इस पेज में मैक्सिमम जो पोस्ट आ रहे हैं वो सब लेफ्ट लीनिंग है, CPIM के जो है पोस्ट आ रहे हैं, CPIM के नेता के कमेंट आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं, तो ये जवाबदेही बनती है CPIM के तरफ से, CPIM के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मोहम्मद सलीम हो, चाहे वो उनके जनरल सेक्रेटरी हो, उनको इस पे जवाब देना होगा कि क्या उनका पॉलिटिकल जो है लीनिंग जो है, कुछ पॉलिटिकल पॉलिसी उनका चेंज हो गया है? जो पॉलिसी लिफ्ट जिसके लिए मानी जाती है, वो आज जो दीदी जैसा कहती हैं कि राम और बाम एक हो गए, BJP और CPIM क्या एक हो गए, क्या वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं या नहीं है? अगर कोई इसके पीछे है तो वो उसको, उसके तफ्तीश हो, इसको फाइंड आउट किया जाए, और इस मेक श्योर ये करें कि इस तरह का पोस्ट जो है दोबारा कोई भी, आज अगर मुस्लिम के खिलाफ हुआ है, कल नॉन मुस्लिम के खिलाफ भी कोई इस तरह का खिलवाड़ ना करे, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना करे। 90 ml शराब का जो मात्रा होती है, तो दूसरी तरफ बॉबी हकीम के सर पे टोपी, क्या लगता है कि डिलिबरेटली मुस्लिम सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए इस तरह का पोस्ट डाला गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये डिलिबरेट मैलिशियस एक्ट है, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए, मुसलमानों के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए, मुसलमानों को प्रोवोक करने की ये कोशिश है। हाथ में इतना बड़ा शराब का बॉटल, दाढ़ी दे दिया गया, जबकि फिरहाद हकीम हम सब जानते दाढ़ी नहीं रखते, उनको दाढ़ी दिखाया गया फोटो में, सर में नमाज की टोपी है, कुर्ता पजामा पहन के, पीछे मस्जिद है, जुमा का दिन है, ये पोस्ट किया गया। तो ये क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो है नमाजी के हाथ में वो बॉटल थमा करके हमारे साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? भाई शराब हराम है, इस्लाम में शराब हराम है,
शराब को दूर दूर तक रख मस्जिद के करीब, क्या कुत्ता पैजामा पहन के टोपी पहन के, कोई एक मुसलमान कभी ऐसा नहीं सोच सकता इस तरह की बातें जो हो रही है। देखिए किस तरह के ये फ़ोटो हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये क्या दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये AI है, AI का ज़माना है, किस तरीके से चेहरे को डिस्टॉर्ट किया गया है। फिराद हकीम के चेहरे को लेकर के ये इतना लंबा लंबा दाढ़ी दिखाया गया है, ये कुत्ता पहन के, ये आसपास में जो लोग हैं ये भी देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, ये बड़ा पिक्चर है, आसपास में जो लोग दिखा रहे हैं वो भी सर में टोपी पहन करके हैं, और ये पीछे गुंबद नुमा ये जो स्ट्रक्चर है मस्जिद का, ये क्या आखिर खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के साथ में। ये कोई भी मुसलमान, कोई भी नॉन मुस्लिम भी इस तरीके की बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये CPM ने अगर ये किया है तो वो उनका वो डूम्स डे है, वो जीरो से जीरो में तो ऑलरेडी है ही, उनके आने वाले दिनों में भी पॉलिटिकल करियर फिनिश है, क्योंकि लोगों से अगर किसी को वोट चाहिए तो उनका दिल जीत करके वोट लिया जाता है, उनके दिल को ठेस पहुंचाकर वोट नहीं लिया जाता है। मीनाक्षी मुखर्जी ने पहले आज ही कर दिया है पेज, उनका वेरीफाइड पेज नहीं है, उनका जो पेज है उन्होंने मेंशन भी किया, तो क्या इस मामले में उनको घसीटा जाना सही होगा? देखिए ये पेज जो है कुछ एक दो दिन से तो नहीं चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 29,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, काफ़ी एक्टिव है, लेफ्ट के सारे पोस्ट को, CPM के सारे पोस्ट को शेयर किया जाता है, एंटरटेन किया जाता है, तो हो सकता है कि उनके नॉलेज में ना हो, तो तफ्तीश हो, ये उनके तरफ से मांग होना चाहिए, मीनाक्षी मुखर्जी की तरफ से मांग होना चाहिए कि मेरे चेहरे को, मेरे नाम को इस्तेमाल करके कोई और ऑपरेट कर रहा है। अगर कतई वो इस मामले में इनोसेंट हैं तो उनके तरफ से जोर होना चाहिए कोलकाता पुलिस को कि वो तफ्तीश करे, फाइंड आउट करके कौन है इसके पीछे। आप हाई कोर्ट के तौसीफ अहमद खान साहब, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट और पैनल TV पैनलिस्ट भी हैं, तो क्या ये पार्क स्ट्रीट में जिस तरह से किया है, क्या लाल बाजार में भी आप दर्ज करेंगे इस तरह का? जी मैंने ऑलरेडी लाल बाजार में दर्ज कर दिया है, साइबर पुलिस स्टेशन में मैंने ऑलरेडी इस कंप्लेंट को भेज दिया है, और मैं फिजिकल कॉपी लेकर के पार्कशीट थाना में आया हूँ, ये इंश्योर करने के लिए कि इस मैटर में एफ आई आर हो, इसकी छानबीन हो, कौन है इसके पीछे, इस मामले को यूं ही ना जाने दिया जाए ताकि दोबारा ये इस तरह की हरकत कोई ना करे। सीनियर पुलिस अधिकारी से बातचीत? जी हाँ, मैंने लाल बाजार में सीनियर पुलिस ऑफिसर, IPS सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि पुलिस कप्तान है साइबर क्राइम के, उनसे मेरी बातचीत भी हुई, मैंने उन्हें सारा डिटेल बताया भी, मैंने कंप्लेन उनको ईमेल भी कर दिया, फोन में बात भी की है, और उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया था कि अगर मैं FIR करना चाहता हूँ तो मैं कोई भी लोकल पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में जाकर के पर्सनली ये दर्ज करूँ, इसलिए मैंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके पार्क स्ट्रीट थाना में मैं आज आया हूँ ताकि इस मामले में FIR हो। क्या आपको लगता है, क्या आपने मतलब डिमांड क्या किया आपने कंप्लेंट? मेरा यही डिमांड है कि पहले अव्वल ये कि इस पर FIR हो, मीनाक्षी मुखर्जी का वर्जन लिया जाए, उन्होंने अगर कोई कंप्लेन किया है तो उसको कंसिडर करें और ये फाइंड आउट करें कि असल में इसके पीछे कौन है। कोई तो शख्स है, अगर मीनाक्षी मुखर्जी जो है डिनाई कर रही हैं तो कोई तो शख्स है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, वो कौन शख्स है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ा से सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए, एक मिसाल बनाया जाए ताकि बंगाल में इस तरह का हरकत कोई ना करे। ये दूसरे स्टेट में होता है, हमने देखा है, हम देखते हैं हमेशा, लेकिन बंगाल के माहौल को ना खराब किया जाए। फिराद हकीम का अभी तक बयान सामने नहीं आया, किस तरह इसको आप देखेंगे? देखिए वो खुद एक बिजी रहते हैं हमेशा, जबकि अभी स्टॉर्म का दौर था तो वो रात भर वो कंट्रोल रूम में बैठे रहे, बहुत सारे उनके मीटिंग शेड्यूल है, मैं जानता हूँ इस बात को कि उनका बहुत सारा प्रोग्राम था शाम में निकलने का, वो नहीं आ पाए क्योंकि वो रात भर वो कंट्रोल रूम में बैठे थे, फ्लड के सिचुएशन को देख रहे थे, तो अब उनके कान तक अगर ये बात पहुँचेगी तो वो अपने नज़रिए इसको सामने रखेंगे, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि वो एक बड़े सीनियर तृणमूल के नेता हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करने वाला जो है वो DYFI का नाम लेकर के ये पेज चल रहा है, लेफ्ट लीनिंग जो है उन्हें टारगेट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजिन आप तौसीफ अहमद खान एडवोकेट, ये कलकत्ता पुलिस में इन्होंने शिकायत दर्ज कराया और इनके हाथ में कंप्लेंट लेटर है, इन्होंने कुछ देर पहले पार्क स्ट्रीट थाना में जाके मेल भी किया और इनका हाथ में हार्ड कॉपी भी है जो इन्होंने CPM की नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी के जो पेज है उसके खिलाफ किया कंप्लेंट। आपको बता दें उस पोस्ट में फिराद हकीम जो के कोलकाता के मेयर है उनको टोपी दाढ़ी और उनके हाथ में एक 90 ml का शराब का बोतल दिखाया गया था। आपको बता दें कि कल जो तूफान आई थी जिसमें 90 ml कलकत्ता शहर में जो बारिश के पानी जो जमा था उसको जिस तरह से कटाक्ष करने की कोशिश की गई CPM के उस CPM के जो सपोर्टेड जो पेज है उसके थ्रू, उसके खिलाफ आज यहाँ पर
तौसीफ अहमद खान जो कि कोलकाता हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है, वो जस्ट पाकसिद थाना के सामने मौजूद है। उन्होंने अपना कंप्लेंट थाने में दर्ज कराया।